हेलो जी, किम छो तुम? तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके पार्टनर में कौन से गुण देखने चाहिए। चलिए देखते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो जाए, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए कमेंट में। कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लीजिएगा। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और हर हर महादेव, जो भी चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके पार्टनर में कौन से गुण देखने चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर में कौन से गुण देखने चाहिए, तो उसमें ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि जब ऐसा, कई बार ऐसा समय आता है ना कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इंसान पूरी तरीके से ना, कई बार ऐसा होता है कि टूट जाता है और उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो वही सही समय होता है नई शुरुआत करने का, एक सही समय होता है बीज बोने का, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको आपके पार्टनर में ये गुण ज़रूर देखना चाहिए कि वो ऐसा है कि नहीं। कि कई बार होता है ना कि इंसान जब बहुत सारी परेशानियों से घिरा होता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और वो वहीं पर, वहीं से वो इंसान ना डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। वो नई शुरुआत करता ही नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, वहीं रुक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये क्वालिटी ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ये इंसान ऐसा तो नहीं है, ये अब स्टेबिलिटी रखता है या नहीं, स्टेबल रहता है या नहीं, बैलेंस बनाए रखता है या नहीं, ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो भी आपका पार्टनर है, जो भी पर्सन है, वो कहीं आपके साथ गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा। क्या होता है ना कि वो जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा लविंग होता है, केयरिंग होता है, बट वो हमें हर्ट भी करता है, परेशान भी करता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफें भी देता है, लेकिन हम ये मान के रुक जाते हैं कि चलो लविंग तो है, केयरिंग तो है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं आपके साथ वो गेम तो नहीं खेल रहा, आपको चीट तो नहीं कर रहा है, उसके दो चेहरे तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये भी ज़रूर चेक करना चाहिए। तो आपको कोई भी चीट ना कर सके, और वो आपकी पूरी तरीके से सबसे, थर्ड पार्टी से या फिर जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ना पर्सन जो होता है वो लेज़ी भी हो जाते हैं, तो ऐसा लेज़ीनेस वाली क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए। और बेस्ट हो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान लेज़ी होता है ना, तो फिर वो रिलेशन पे भी ध्यान नहीं देता है, और फिर उसके वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती चली जाती है। तो ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं ये इंसान, ये पर्सन जो है, ये अपने रिलेशन को लेकर लेज़ी तो नहीं हो रहा है, कई बार समय नहीं देते हैं, या फ़ोन पे बात करने की भी बात है तो बात करना नहीं चाहते, टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही क्वालिटी नहीं होती है, और ऐसा किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लेट गो करने की भी जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, जिसके वजह से ना हम वहाँ पर अटक जाते हैं, और वो चीज़ों को हम ना साथ में लेकर चलते हैं, जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि किसी ने हमें कुछ गलत चीज़ें बोल दी, अब वो तो बोल कर चला गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन में उस चीज़ को बिठा लेते हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, और उसके बाद उसी चीज़ पे अटके रहते हैं, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सही नहीं होता है। अगर कोई बर्डन है आप पे, तो वो कब तक चलेगा,
कब तक आप उसे सहन कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, अगर जूते में अगर कोई कंकड़ चला जाए तो तुरंत हम क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, है ना। तो उसे अगर जूते में रहने दिया जाए तो आप कितना दूर चल लेंगे, नहीं चल पाएंगे, है ना। तो बस ऐसा ही उसमें भी ये लेट गो करने वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, और सब कुछ कुछ भी ना होते हुए एक नई शुरुआत करने की क्वालिटीज होनी चाहिए। और यहाँ पर एक जो होता है ना कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाए रखने की एक क्वालिटी होनी चाहिए, अपने पर्सन को एकदम लविंग केयरिंग वाली फीलिंग आए ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए, और केयर करे बहुत ही, और चीट ना करे, सबसे उसको बचा के रखे, प्रोटेक्ट करे उसे हमेशा, ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो साइन है और जो नंबर है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, इसे रेजोनेट कर सकते हैं इससे, और साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो राशियाँ बता देती हूँ मैं, यहाँ पर सी राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है और धनु राशि है। तो आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और अभी के लिए बस जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव।